चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी से ट्रीटमेंट का औपचारिक शुभारंभ किया। एसएमएस को आईसीएमआर से 20 क्रिटिकल मरीजों का इस थेरेपी से उपचार करने की अनुमति मिल गई है। वहीं ड्रग कंट्रोलर से भी और अधिक मरीजों के उपचार की अनुमति प्राप्त हुई है। और जब क्रिटिकल कंडीशन में कोई मरीज होता है तभी प्लाज्मा थेरेपी कारगर होती है। जिनको वेंटिलेटर पे लेने की जरूरत पड़ जाए, जिनके हालात बिगड़े हुए हों, जिनको गंभीर दो तरह की कोई बीमारियां हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, या कोई किडनी का पेशेंट हो, या और किसी क्रोनिकल डिजीज से पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, तो उसमें ये वायरस ज्यादा एक्टिव हो जाता है और उन्हीं की मोर्टिलिटी ज्यादा होती है। तो ऐसी परिस्थिति में उनके जैसे ही वो स्टेज टू में पहुंचते हैं, वहां प्लाज्मा थेरेपी में हम लोग ये कारगर थेरेपी है और इसका हम इस्तेमाल करेंगे।